दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इंडियन ट्रेंजर सिमुलेटर फैन क्लब में। दोस्तों, एक हफ्ते बाद मैं फिर से लेके आया हूँ, न्यू एक्टिविटी है जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, पैसेज एंड ट्रेन एक्टिविटी होने वाली है। दोस्तों, ये बहुत हाई ट्रैफिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल गेम प्ले बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको डाउनलोड प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो जैसे मेरा लिंक ये ओपन हो गया है, उसके बाद आपको नीचे आने का है, स्क्रॉल डाउन करते रहिए, फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे आने का यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ये कंटिन्यू लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जाने का है। तो जैसे यहाँ पे जाने का, तो यहाँ पे ये टॉप 5 स्टॉक वाला जो है, यहाँ पे क्लिक करने का, फिर आप वेट कीजिए जब तक ये टाइमिंग ख़त्म नहीं होता 10 सेकेंड तक। फिर उसके बाद आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको नेक्स्ट पेज लिखेगा, तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक कीजिए। जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपको नीचे जाने का है, यहाँ पे ज़रा वेट कीजिए, यहाँ पे जो टाइमिंग चल रहा है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे वेट करना है। फिर जैसे ही आपका टाइम अप हो जाएगा तो आपको नीचे आने का, यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जैसे डाउनलोड होने लगा, ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ अंडर 1 MB है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, फिर यहाँ पे एंड्रॉयड डेटा com.n3v गेम्स फाइल्स यूज़र डेटा, फिर आपको ओरिजिनल में भी जाके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको एक फाइल फोल्डर बनाना है हैश का सीरियल वाइज, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ हैश 07, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपको, तो आपको पासवर्ड क्या रहेगा बता देता हूँ मैं, देख लीजिए। पैसेंजर ट्रेन एक्टिविटी बाय नीतेश .7Z, ये आपका पासवर्ड है, आप एक बार देख लीजिए वापस, फिर आपको ओके कर देना है। तो देखिए मेरा हो गया, बैक आना है। उसके बाद asset.tds को डिलीट करना है, और आपका अगर कैचे फाइल भी रहेगा तो कैचे फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर आपके वो क्या करना है, फिर मैं गेम में चलता हूँ, तेरा मेरा गेम, तो जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो देखते हैं हमारा जो एक्टिविटी है पैसेंजर ट्रेन का, वो आया कि नहीं आया। तो स्कैन हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। दोस्तों, शाम को या फिर सुबह एक वीडियो आने वाली है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो जैसे कि मेरा टायर हो गया, फिर रूट में जाना है आपको, रूट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए इटारसी से हबीबगंज कई रूट हैं और ये पैसेंजर ट्रेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको प्ले करके बता देता हूँ। और दोस्तों, इस रूट का क्रेडिट जाता है ट्रेनजेड गेमर आदित्य को, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ,
तो फ़िलहाल के लिए हमें ग्रीन सिग्नल दिया है, बट बाद में रेड दे देगा, क्योंकि अभी जो गरीब रथ एक्सप्रेस है वो डिपार्ट कर रही है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ, किस तरह का ये रूट है, क्या है क्या नहीं है, और किस तरह की एक्टिविटी होने वाली होगी। तो आप देख सकते हैं अभी हम इंटारसी जंक्शन पे हैं, तो यहाँ से गरीब रथ ने डिपार्ट किया है और हमारी जो पैसेंजर ट्रेन इधर है यहाँ पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गरीब रथ एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है। देखते हैं हमें कब तक सिग्नल मिलता है, ड्राइवर का सेक्शन कब तक आता है। और शायद से बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 7 से राजधानी खड़ी है, जो कि शायद से हमें ओवरटेकिंग करते हुए आगे जाएगी, उसका अभी डिपार्चर टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें कब तक सिग्नल मिलता है। ये हम आ गए, और दोस्तों ये मॉडल्स का क्रेडिट जाता है विदित वासवानी को और साहिल भाई को और राज भाई को। ठीक है, और दोस्तों आपको शायद से हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, तो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे, और कमेंट करके भी बता सकते हैं। और किसी ने मुझे बोला था कल्याण का जो रूट आने वाला है, तो आप मुझे बताइए कि मैं कल्याण का रूट लेके आऊँ पहले या फिर उसकी एक्टिविटी लेके आऊँ, कल्याण से लेके पुणे तक हैं, तो आप क्या चाहते हैं, एक्टिविटी चाहते हैं या फिर रूट चाहते हैं? जो आप बोलेंगे मैं वो लेके आता हूँ, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, रूट या एक्टिविटी, कमेंट करके बता सकते हैं या फिर लाइव चैट में भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। और दोस्तों आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी हमें 1K फैमिली कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी से जल्दी 1K फैमिली कंप्लीट कर दीजिए, आपके ऊपर है। और इसी तरह की न्यू वीडियो आती रहेगी, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। एक्चुअली जो आगे जो गरीब रथ एक्सप्रेस है वो आगे गई है, तो ये तो डबल लाइन है, अप और डाउन की लाइन है, तो यहाँ पे तो 3 लाइन तो है नहीं, अप और डाउन की लाइन है, तो जब हमें अप पे जाने का है, तो देखिए अभी हमें रेड दे दिया है, तो जो लाइन से हम जाने वाले अप पे वो लाइन से गरीब रथ एक्सप्रेस आगे गई है, तो इस वजह से हमें रेड दिया गया है। और जैसे उनका हमारा लाइन क्लियर हो जाएगा ट्रैक का, तो हमें भी ग्रीन मिल जाएगा, ग्रीन या फिर येलो मिलेगा, शायद से येलो मिलेगा, पहले येलो मिलेगा फिर ग्रीन मिलेगा। और दोस्तों प्लीज़ स्पीड लिमिट जो है वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि अभी नेक्स्ट जो स्पीड लिमिट होने वाली है हमारी 24 की होने वाली है, बट मैं बोलूँगा कि 20 तक रखिए, इनफ है। तो दोस्तों जो ये रहेगा एक्टिविटी और लोकोमोटिव की लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे भाई ऐसा हो रहा है, भाई वैसा हो रहा है, ठीक है, स्किप मत कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप डाउनलोड कीजिए, नहीं पसंद आए तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि आपको पसंद आ जाएगा। चलिए हमारा डिपार्चर टाइम होने वाला है, तो जैसे ड्राइवर का ऑप्शन आ गया है तो मैं पेंटोग्राफ ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, और देखते हैं हमें कब मिलता है सिग्नल।
शायद से हमें सिग्नल मिलने वाला है, तो देखते हैं कब तक। चलिए सिग्नल मिल गया तो मैं हॉर्न देके डिपार्ट करता हूँ। डिस्टर्बेंस गाइस, तो चलिए मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। हम यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, अभी हमें येलो है, फिर रेड दिया गया है। आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक स्पीड लिमिट रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 तक स्पीड लिमिट कर देता हूँ अपनी, बिकॉज आप अभी इटारसी जंक्शन को से डिपार्ट कर रहे हैं। देखिए हमें फिर से येल्लो दिया गया है, तो जब तक आप इटारसी जंक्शन से पूरी मतलब आपकी ट्रेन डिपार्चर नहीं हो जाती तब तक आपको स्पीड लिमिट इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। और प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। वीडियो देख लेंगे तो आपको पसंद आएगा तो आप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे भाई बोलते हो अच्छा है और बाद में अच्छा नहीं रहता। आप वीडियो देख लीजिए पूरा, मैं नेक्स्ट स्टेशन तक आपको दिखाने वाला हूँ गेम प्ले, उसके बाद आप आराम से खेलिएगा। जा लंबा तो रूट नहीं है बट अच्छा है, क्योंकि उसमें मैंने हैवी ट्रैफिक दिया है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसा है रूट। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो SLR है लास्ट का, वो स्टेशन से इसको स्किप किया कि नहीं। तो जैसे देख सकते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं किया, शायद से नहीं कर चुका है। तो फिर हम यहाँ पे स्पीड लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जैसे 24 है तो 20-21 समथिंग रखते हैं। तो मैं 21 रखता हूँ। और आप बाजू में देख सकते हैं राइट साइड में राजधानी एक्सप्रेस का रेक स्टैंडिंग पर है लूप लाइन में, और शायद से यहाँ पर भी है, शायद से यहाँ पर भी है। हाँ यहाँ पर भी, यहाँ पे शायद से हमसफ़र एक्सप्रेस का होगा, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो। हाँ हमसफ़र एक्सप्रेस है। और दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारी जो स्पीड नेक्स्ट स्पीड लिमिट है वो 70 की हो गई, 70 की आने होने वाली है। तो चलिए हम तब तक 24 पे चलते हैं जो हमारी स्पीड लिमिट है। चलो दोस्तों हमारी स्पीड लिमिट 70 की आ गया है, तो मैं स्लोली स्लोली हमारे जो पैसेंजर ट्रेन है उसको इंक्रीज करता हूँ, स्लोली स्लोली हमारी स्पीड को इंक्रीज करता हूँ।
सामने से मेरे को डीजल लोकोमोटिव का साउंड आ रहा है, तो हाँ डीजल लोकोमोटिव है, कौन सा शेड होगा पता नहीं, WDM 3A लग रहा है मुझे, ब्लू वाला, और शायद से क्रॉसिंग होगी हमारी, तो मैं क्रॉसिंग दिखा देता हूँ आपको। आपको क्रॉसिंग कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। शायद से एक और मेमू क्रॉसिंग हो रही है, अराइवल कर रही है टारसी जंक्शन पे। दोस्तों आपको ये एक्टिविटी कैसी लग रही है बताना मुझे, खेल के बताइएगा, आपका ओपिनियन कैसा है, रिव्यू कैसा है इस एक्टिविटी के, इस एक्टिविटी में। Web 7 आ रहा है विथ किसके साथ है, ओह दुरंतो एक्सप्रेस, नाइस, स्पीडिंग क्रॉसिंग है। राइट साइड में दो लाइन है, शायद से कहीं जाने वाली लाइन है, कौन से लाइन में जाती है आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे तो याद नहीं आ रहा। अगर आप वहाँ के रहे, वहाँ यहाँ के रहने वाले टारसी साइड के, तो आप मुझे बता सकते हैं। शायद से फ्रेट ट्रेन खड़ी है क्या, फ्रेट ट्रेन जा रहा है कि रुका है, नहीं फ्रेट ट्रेन चल रहा है। विथ डीजल लोकोमोटिव है फ्रेट ट्रेन में, कौन सा है देखते हैं, चलिए चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखते हैं हम कौन सा लोकोमोटिव है। आपको दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे शायद से WDG 5 लग रहा है, भीम वाला, हाँ वही है, देख लेते हैं, हाँ वही है। वो एक डिपार्चिंग, एक अपलाइन में जा रहा है, एक डाउनलाइन में जा रहा है, एक WDG 40 के साथ है और एक WDG 5 के साथ है। अच्छा चलिए, हमारी स्पीड लिमिट तो 100 की है, तो हम 100 तक जाते हैं।
फ़िलहाल तो मेरी स्पीड 81 चल रहा है। एक और क्रॉसिंग हो रही है, कौन क्रॉसिंग कर रहा है देखते हैं। स्पीडिंग क्रॉसिंग है, ओ मैमू। चलिए, हमारी स्पीड लिमिट तो 24 की है, तो हम थोड़ा स्पीड लिमिट को डिक्रीज कर देते हैं। चलिए, येल्लो मिल गया है, सिंगल कॉशन। तो येल्लो मिल गया है तो हमें स्पीड लिमिट को इंक्रीज़ करना चाहिए। आप 50 तक रख सकते हैं, बिकॉज येल्लो कॉशन है, तो आगे क्या स्पीड मिलेगा ऐसे तो मुझे लग रहा है कि हमारा स्टेशन आने वाला है। फिर भी मैं 50 तक रखता हूँ। चलिए, रेड मिल गया। चलिए, रेड मिल गया तो स्पीड लिमिट कम करना पड़ेगा। चलिए, फ़िलहाल के लिए मैं स्पीड लिमिट को इतने रखता हूँ। चलिए, हमें यहाँ पे रेड सिग्नल दिया है, तो हम यहाँ पे रुक स्टॉप कर देते हैं। आउटर साइड पे रुका है स्टेशन के, तो देखते हैं हमें
स्टेशन में कब तक मिलता है सिग्नल? सामने तो मुझे स्टेशन दिख रहा है, चलिए हम आगे जाके देखते हैं सिग्नल कब मिलेगा हमें। तो ये तो स्टेशन के आउटर साइड में रोका रखता है, आगे हमारी लाइन पे कोई गाड़ी है। देखते हैं हम कौन से स्टेशन पर अराइवल करेंगे। सो स्टेशन है ये, चलिए हेलो मिल गया। तो मैं यहाँ पे तो स्लोली स्लोली अराइवल करता हूँ। दोस्तों मैं स्पीड लिमिट को 24 नहीं रखूँगा बिकॉज़ हम अराइवल कर रहे हैं, तो 10 मोर देन 15 के स्पीड पे बस हो गया और हम प्लेटफॉर्म 1 पे पावरखेड़ा स्टेशन पे अराइवल कर रहे हैं। तो सर जैसे कि ये स्लो पैसेंजर ट्रेन है तो इस स्टेशन पे भी शायद से इसको आगे सिग्नल नहीं है, इस वजह से ये रुक रहा है यहाँ पे। और अभी देखते हैं थोड़ा कब तक सिग्नल इसको मिलता है। तो आप देख सकते हैं देखते हैं कब तक मिलता है सिग्नल। मैं 15 बस हो गया, 15 एनफ है। चलिए मैं यहाँ पे आगे रेड सिग्नल है तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।
चलिए फिर यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? और न्यू रूट के साथ आप मुझे बता सकते हैं जल्दी कि मैं रूट लेके आऊँ, एक्टिविटी लेके आऊँ कल्याण से लेके पुणे तक, तो आप जल्दी से बताइएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय। और आपको एक राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग दिखा देता हूँ, तो राजधानी एक्सप्रेस आ रही होगी। चलिए देख लेते हैं हम राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। टाइम लगेगा उनको राजधानी एक्सप्रेस को आने में, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जल्दी बताइएगा मेरे को कमेंट करके एक्टिविटी कैसी लगी आपको और ये रूट कैसा है, ठीक है? चलो बाय।